की बड़ी खबर आ रही है दूसरा राजस्थान से, जहां कोलाना उप कारागृह में एक कैदी की मौत हो गई है। कोलाना उपग्रह में चिमनलाल नाम के एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। कारागृह में बंद कैदी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। कैदी के शव को धोसा मोर्चरी में रखवाया गया है। जयपुर ग्रामीण का रहने वाला था मृतक चिमनलाल। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक सैनी धोसा से जुड़ गए हैं। हाँ दीपक, कोलोना उपग्रह में बंद एक कैदी की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, क्या है पूरा मामला? ये विचारधीन कैदी था, ये करीबन कोलोना उपकार के अंदर करीब 2 साल से ये बंद था और इसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा था और अभी तक इसको सजा नहीं मिली थी। ये 2 साल पहले एक जो भांग का जो ट्रक था उसके अंदर ये पकड़ा गया था और इनका केस अभी भी चल रहा था और कल करीबन 10 बजे के करीब इनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के अनुसार ये कोलाना पुलिस बांदीकुई जिला चिकित्सालय में लेकर गई, जहां पर इसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। ठीक होने के बाद में ये वापस जेल ले गई और फिर जेल में करीबन शाम को 4 बजे वापस इसकी तबीयत अचानक ज्यादा खराब होने के कारण वापस बांदीकुई लेके गई, बांदीकुई जिला हॉस्पिटल। लेकिन वहां पे ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण इसको जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। लेकिन जहां दूसरा जिला चिकित्सालय जब ये कैदी पहुंचा तो तब तक इसने दम तोड़ चुका था, तो इस डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित होने के कारण फिर इसको दूसरा जिले की मोरछड़ी में रखवा दिया गया। मैम, ये था पूरा मामला जी। तमाम बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। जनपद दोसा के बसवा थाना क्षेत्र में स्थित कोलाना उप कारागृह में बंद कैदी की मौत होने को लेकर मजिस्ट्रेट की देखरेख में होगी कानूनी कार्यवाही। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।